आपको इचिंग प्रॉब्लम है या डैंड्रफ है या स्काल बहुत सूखे पड़ गए हैं या बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, बढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, तो ये सरसों का तेल है ना एक नंबर उपाय है। मतलब बालों में लगाइए और इन सारी चीजों का जो छुटकारा है बस एक इस तेल के अंदर है, रामबाण है। ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है और ठंडी के मौसम में स्पेशली हमारे बालों का ज्यादा ध्यान रखना होता है। आज मैं जो ऑयल के बारे में आपसे बात करने आई हूँ या मैं उसे लगाऊंगी और उसे मैं प्रॉपर तरीके से उसका जो बेनिफिट है उसमें क्या क्या विटामिन पाए जाते हैं वो आगे मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है पूजा, आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे पूजा आर ब्लॉग में। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में बेल आइकन उसे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा, उससे आपको हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल जो कि ठंडी में तो बिल्कुल रामबाण है, आंख बंद करके आप अपने बालों में उसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे ये तो बहुत ज्यादा चिपचिपा होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है और मतलब स्मेल भी आता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बाल सुपर सिल्की, सुपर मतलब स्मूथ और लंबे काले रहें, तो थोड़ा सा स्मेल बर्दाश्त कर लेंगे तो बस चुटकी का खेल है, 20 से 25 मिनट का ही तो खेल है। तो इसमें आगे वीडियो में बताऊंगी कि जो सरसों का तेल है कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे मसाज करना है अपने बालों में, मैं लगा करके दिखाऊंगी। और सरसों के तेल में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आपने कभी सुना होगा कि जो दादी है, नानी है, मम्मी भी इवन सरसों का तेल पहले अपने बालों में बहुत अच्छे से लगाया करती थी, उनके बाल कितने घने लंबे और बहुत ही मतलब शाइनी रहते थे ना। लेकिन डे बाय डे सरसों का तेल हम अपने बालों में लगाना मतलब अवॉइड कर रहे हैं, हमको नहीं पसंद आ रहा, उसका स्मेल अच्छा नहीं लग रहा और इसके कारण हम अपने बालों में सरसों का तेल नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं अपने बालों में सरसों का तेल लगाती हूँ। अब ठंड के मौसम स्टार्ट हो गया ना, तो ठंड के मौसम में आप सरसों का तेल अपने बाल में जरूर अप्लाई कीजिए। और कैसे करना है, कितनी देर के लिए रखना है, वो सारी वीडियो में आपको एंड तक देखना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, और मेरे साथ मतलब अपनी एक फैमिली के साथ जुड़िए, हमारी फैमिली है आप और हम एक फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं पूजा आर ब्लॉग का। तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, उससे आपको हमारे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गैस स्टार्ट कर लिया है और एक ग्लास के करीबन पानी हम गर्म होने के लिए रख देंगे और एक साइड में मतलब हम छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें 3 चम्मच में सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल डाल लिया है, आप किसी भी ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, ये मेरे घर का बना हुआ मतलब खेती में का जो सरसों राई होता है ना उससे तेल बनता है, वो प्योर एकदम मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास। तो बस इस तेल को हम डालेंगे इस गर्म पानी के अंदर और कुछ सेकंड के लिए रहने देंगे और तेल को हल्का सा हम गुनगुना कर लेंगे, मतलब उंगली डाले तो हल्का सा गर्माहट महसूस होना चाहिए। और इसे हम अच्छे तरीके से बाल में अप्लाई करेंगे। कोई भी तेल अप्लाई करने के पहले आप बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए और तेल जब भी आप लगाएंगे ना तो हल्का सा मतलब गर्म पानी में डाल करके उसे गर्म कर लीजिए, उसके बाद लगाइएगा तो उसका ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है। अब हम बात कर लेंगे कि सरसों के तेल में कौन कौन से विटामिन होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा सरसों का तेल जो है विटामिन से भरा होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में आयरन, विटामिन ए, डी और मैग्नीशियम पाए जाते हैं जिसके कारण आपके बालों को बहुत ज़्यादा पोषण तत्व मिलता है और बाल मतलब झड़ना रुक जाता है और बालों का टेक्सचर जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी, स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं। हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम होता है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। सरसों का जो तेल होता है इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है और इसी कारण जो आपके बालों में मतलब सर पे फंगस प्रॉब्लम है या बैक्टीरिया प्रॉब्लम है ना, तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं इस तेल को रेगुलर बेस पे लगा करके। और विटामिन ई से तो भरपूर होता है जो सरसों का तेल होता है और उसी कारण हमारा जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा मुलायम और मतलब सिल्की दिखेगा इस तेल का अगर आप रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करेंगे। तो सरसों का तेल बहुत ज़्यादा मतलब आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए, और ये सिर्फ हेयर के लिए नहीं, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो बनाऊँ स्किन के लिए सरसों ऑयल कितना ज़्यादा बेनिफिट है, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा तो मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी आप सभी के लिए।
और यहाँ पर मैंने जो तेल है अच्छे तरीके से दोनों बाजू में लगा करके 5 से 6 मिनट के लिए मसाज करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से प्यार से। और उसके बाद आप जूड़ा बना लीजिए या मेरी तरह इस तरीके से चोटी बना लीजिए। मैंने यहाँ पे चोटी बना ली है और 25 से 30 मिनट के बाद हम अच्छे से हेयर वॉश करेंगे। एक बार ही आप शैम्पू करेंगे ना तो ये तेल हल्का सा चिपचिपा होता है तो नहीं निकल पाता है, तो 2 बार ही अच्छे से आप इसे शैम्पू कर लीजिए और बस रिजल्ट आपके सामने ही होगा। इस तेल को आपको हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मतलब अगर आप 2 दिन नारियल तेल या कोई और तेल लगाते हैं तो 1 दिन इस तेल को भी आप अपने रेगुलर बेसिस पे लगाइए हफ्ते में 1 बार, और इसका रिजल्ट आप खुद अनुभव कीजिए और उसके बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी।